दोस्तों ये देखिए, ये टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स है और ये जो है पूरा डेड कंडीशन में है। इसमें देखिए सप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है, तो कस्टमर ने जो है इसको लेकर के आया मेरे पास, तो उसको मैंने कहा अडाप्टर भी साथ में लेकर के आइए। तो देखिए ये सिंपल सा एक वीडियो है जो मैं सभी के साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप भी इस्तेमाल करते होंगे टाटा स्काई डिश टीवी या तो एयरटेल जो भी है, तो उसमें देखिए इस तरह से कभी भी अगर बॉक्स में जो है इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है सप्लाई देने के बाद, यहाँ पे लाइट वगैरह जो है कुछ भी दिखा नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो है आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, घबराइएगा मत। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अडैप्टर को लगा के रखा है, सप्लाई दे करके रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बॉक्स में जो है लाइट वगैरह नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है, क्योंकि ये देखिए इसका जो सप्लाई है एक अडैप्टर के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आता है, तो इसके लिए आप अगर आस पड़ोस में अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से कि जो भी मल्टीमीटर होता है उसको ले लीजिए, डीसी का 20 रेंज में जो है इसको सिलेक्ट कर लीजिए मल्टीमीटर को, और एडाप्टर को जो है सप्लाई में प्लग इन करके जो है बॉक्स सेटअप बॉक्स के पीछे से जो है इसका पिन को जो है निकाल दीजिए। और ये देखिए मल्टीमीटर में 20 का रेंज में रखा हुआ डीसी में, और ये इसका जो नेगेटिव प्रॉप है तो नेगेटिव प्रॉप को जो है पिन का अंदर लगा दीजिए, और पॉजिटिव प्रॉप को जो है इस तरह से जो है ये देखिए नेगेटिव को इस तरह से अंदर लगा दीजिए और पॉजिटिव को यहाँ पे टच करिए। तो देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रहा है बॉक्स का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो है अपना जो एडाप्टर है एडाप्टर का प्रॉब्लम है। अभी ये देखिए मैं दूसरा एडाप्टर यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ, ये मेरा पास दूसरा एडाप्टर है जो भी जो कि 12 वोल्ट का एडाप्टर है। तो ये देखिए इसमें मैंने लगाया और देखिए 12 वोल्ट यहाँ पे जो है मल्टीमीटर में दिखा रहा है, यानी कि एडाप्टर ये मेरा जो एडाप्टर है बिल्कुल सही है। तो इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ तो देखिए लाइट्स आ गया। तो इस तरह से जो है आप भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, घबराना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि बॉक्स जो है ख़राब हो चुका है, लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको जो है अपने दिमाग को जो है धीरे से जो है इस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा जो है तकलीफ करके आपको जो है पता करना है कि कौन सा चीज़ यहाँ पे ख़राब हुआ है, क्योंकि जो है 90% जो है ये अडाप्टर का ही प्रॉब्लम होता है, और यहाँ ये अडाप्टर जो है 12 वोल्ट का है, तो इसको चेंज करने के बाद जो है ये ठीक हो जाएगा।